यूपी के हाथरस में मुबैना गैंग रेप और जदकोप के वाक्या पर मुल्क गिर सतह पर लोग इस वाक्या को शर्मनाक करार देते हुए इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। वहीं शहर हावड़ा के मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदा चेहरा हाथरस की मजलूम महलूक लड़की के गम में शामिल दिखाई दिए। आइए उस ताल्लुक से उनकी राय जानते हैं। हाथरस गैंग रेप के ताल्लुक से आप अपनी राय बताइए। सबसे पहले मैं हिंद न्यूज़ उर्दू चैनल की तरफ से अपने हिंदुस्तान के लोगों को मेरा सलाम और परिणाम। अब ये जो हाथरस गैंग रेप के बारे में जो आजकल ये सारा जगह चर्चा हो रहा है, देखिए ये ना पहला है और ना ये आखिरी होगा। इससे पहले निर्भया का भी हम लोग केस देखे हैं, प्रियंका रेड्डी का भी हम लोग केस देखे आज, और फिर आसिफा का भी हम लोग केस देखे, और अब आप ये हाथरस में जो मनीषा के साथ हुआ है, ये हिंदुस्तान के लिए, पूरे अवाम के लिए शर्मनाक बात है। कैसा क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों के साथ, औरत के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? क्या हम लोग को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? औरत को जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान बात किया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक स्लोगन देते हैं, तो ये स्लोगन था या एक वार्निंग था? क्या था ये बेटी के लिए कि अपने बेटी को बचाओ घर में रखो या अपनी बेटी को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ? इस समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान बेटी को कहाँ लेके जा रहा है, जहाँ एक तरफ बेटी को आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ एक बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है। अब हाथरस का आप देख लीजिए वो मामला, एक तरफ और उनके परिवारों का पूरा, हम लोग टीवी में आजकल सब चैनल में देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ इतना जुल्म हुआ, स्पाइनल कॉर्ड टूट गया, एक साइड उनका पूरा पैरालिसिस हो गया। दूसरे तरफ वहाँ के जो सीएम है, पुलिस है, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये गैंग रेप नहीं हुआ है। तो पुलिस क्या कर रहे हैं? हम लोग थोड़े दिन आगे देख रहे थे कि वहाँ पूरा वो इलाका पूरा घेरा हुआ था, पुलिस जाने नहीं दे रहे थे, कोई मीडिया वहाँ नहीं जा सक रहा था। यहाँ तक आपने देखा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी वहाँ घुस नहीं पा रहे थे, वहाँ पूरा पूरा पुलिस का पहरा था। दूसरे तरफ हम लोग टीवी में भी देखते हैं कि वहाँ के जो डीएम है वो खुला ट्रेड कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, मतलब जो मनीषा के परिवार है पूरा खुला ट्रेड कर रहे हैं कि आप लोग कुछ बोले नहीं, उनको दबाव प्रेशर दे रहे हैं कि अपना कोई बयान उन लोग नहीं दे पाए। तो पता नहीं यूपी में क्या हो रहा है, योगी के राज में क्या हो रहा है। तो हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ यूपी के खिलाफ नहीं, अगर ये हादसा कोई भी शहर में हो, हम लोग को एक मिल के हिंदुस्तान के लोगों को अपना उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि क्यों औरत के ऊपर या किसी के ऊपर भी क्यों जुल्म होगा? सबको हक है हिंदुस्तान में रहने का, सबको हक है अपना अपना भविष्य चुनने का। तो वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि एक लड़की जो 19 साल की थी मनीषा, क्या उसको राइट नहीं था कि वो जिंदगी जिए, पढ़े, आगे बढ़े? उसका बहुत फ्यूचर था, उसका शादी होता, बच्चा होता, कि क्या वहाँ उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको पूरा उसका करियर बर्बाद कर दिया गया? तो हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठा मनीषा के खिलाफ तो ये सीमित वहीं तक हो जाएगा, आगे और भी क्राइम होगा, इससे पहले भी हो चुका है और आगे और ना हो, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए मैं खुद एक लेडी हूँ पश्चिम बंगाल की, जो हमारी सीएम हो, हमारी दीदी ममता बनर्जी खुद एक लेडी है। तो आप अब देख लीजिए पश्चिम बंगाल कहाँ है और बाकी स्टेट कहाँ है। यहाँ हम लोग जो आसान से जी रहे हैं, दीदी ने अगर कुछ भी नहीं किया हो तो इतना तो किया है कि यहाँ की औरतें बच्चे जो है लेडीज है सारे सेफ है, हम लोग सिक्योर होकर घूम सकते हैं, हम लोगों को कोई चिंता नहीं कि हम लोग के साथ कोई छेड़खानी करे या हम लोग का कुछ एक मतलब क्या होता है, एक फ्रीडम है हम लोग को यहाँ जीने का रहने का। और मैं यही बोलना चाहूँगी अपने हिंदुस्तान के लोगों को, प्लीज़ आइए सपोर्ट कीजिए, ऐसा क्राइम क्यों हो रहा है इसको रोकिए, हम लोग आवाज़ यहाँ से उठाएं, हर जितना मुमकिन कोशिश हो पाए हम लोग यहाँ से टीवी के माध्यम, रैली हो, स्पीच हो, जो भी हो उसके उसके माध्यम से हम लोग अपना आवाज़ बुलंद करें और ये सब हादसे को रोकने का कोशिश करें। इस मामले में सरकार का जो रोल है, इस पर कहाँ तक आप मुतमईन हैं, कहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं? मैं सरकार यानी वहाँ की जो सरकार है योगी जी, अब मैं क्या कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है? जो विक्टिम का जो विक्टिम के घर वालों का जो कहना है और जो योगी जी का कहना टोटल डिफरेंट है, वहाँ का जो पुलिस का कहना, वहाँ जो राज का कहना टोटल डिफरेंट है। तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है वो सरकार से, सिर्फ मेरा बात नहीं है, कोई भी लेडीज़ बोलिए या कोई भी पूरे हिंदुस्तान का जनता जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। सेटिस्फाई तभी होगा जब जो कल्पेट है उसको हम फांसी तक पहुँचाएंगे। और ये जब ये जुल्म जो औरत के ऊपर हो रहा है, ये बच्चे के ऊपर जो हो रहा है, जो उसको जब इंसाफ मिल पाएगा तभी कोई सेटिस्फाई हो पाएगा। अभी हम लोग कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते।
महलूक लड़की और उसके घर वालों का कहना है, इल्जाम है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन पुलिस इस बात को मना करती है, नहीं करती है। इस मामले में आपको क्या लगता है, यूपी पुलिस और मैनेजमेंट का क्या रोल सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे सही है? उन्हें वो उसका वीडियो देखिएगा मनीषा का, उसको जाहिर हो रहा है कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ है, क्या क्या नहीं उसका, आप उसके बयान तो साफ है, वो तो बयान में अपना बोल रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसको टॉर्चर हुआ है, उसको मारा गया, तो फिर ये कैसे हो सकता है जो आवाम का वहाँ का मतलब सरकार का या पुलिस का जो कहना है कि उसके साथ जुल्म नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, ये तो भी गलत है। ये तो वो सरकार अपने आप को बचा रही है, पुलिस सरकार को बचा रही है, आजकल का तो पुलिस का यही रोल हो गया है कि पुलिस सरकार को बचाए, सरकार अपने आप को बचाए। एक्ट्रेस गैंग रेप के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, उस ताल्लुक से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक बीमारी है जो हमारे हिंदुस्तान में दिमाग के तरफ फैल चुकी है। ये मानसियत के ऊपर, एक मेंटलिटी के ऊपर हावी हो चुकी है। रेप एक ऐसा, मैं तो इसको एक बीमारी कहूँगा, क्योंकि कोई भी एक अच्छा इंसान या एक सुलझा हुआ इंसान कभी इसके बारे में सोचेगा नहीं। और वो इंसान ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम हो सकता है, जो ये ख्याल रखते हैं वो हैवान से कम नहीं है। आपने देखा हिंदुस्तान में आए दिन हिंदुस्तान किस किस तकलीफ से गुजर रहा है। आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ सुनते हैं, कहीं कहीं ना यूपी हम लोग जानते हैं वो राम जी का धरती है, और मैं कहना चाहूँगा राम जी के धरती में आज जो रावण राज कर रहा है उसका यही नतीजा है। जब रावण राज करेंगे राम जी के धरती में तो सीता बदनाम होंगी, सीता को यहाँ सेफगार्ड नहीं किया जाएगा। और इसी का एग्जांपल उदाहरण है कि आज यूपी में हमारे बहनों के साथ, हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ राम राज नहीं, वहाँ रावण राज चल रहा है और वहाँ सीता को सीता सेफ नहीं है। और ऐसा वहाँ की जो सरकार जो आज वोट बैंक की राजनीति करती है राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे राजनीति नहीं करके राम के वसूले के ऊपर राजनीति करती तो आज यूपी का शकल कुछ और होता, और आज हम मनीषा जैसे लोग बच्ची को नहीं खोते जो एक दलित घर से आती थे, गरीब घर से आती थी, उनके भी माँ बाप के वो बहुत सपना सजाए होंगे अपनी बेटी के लिए कि वो उनको छोटा से जब कोई भी बच्चा को अपने पालते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा, हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है। उनका तकलीफ हम लोग यहाँ बैठ के महसूस नहीं कर सकते, बस यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके माँ बाप को शांति मिले, उनके माँ बाप ये घटना से उभर पाएँ और अपनी बेटी का के हक में अपनी आवाज़ को उठा पाएँ और उनको इंसाफ मिले। इस मामले में सरकार का जो रोल है उस पर आप कहाँ तक सेटिस्फाई है, कहाँ तक मुतमईन है? देखिए, मैंने आपको कहा जैसे कि वहाँ पे रावण राज चल रहा है तो रावण राज में कहीं किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। वहाँ राम राज नहीं चल रहा है, वहाँ राम मंदिर बनाने की बात की जा रही है, और वहाँ सीता के साथ क्या हो रहा है। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा योगी सरकार को और बीजेपी सरकार को, जो अपने आप को हिंदू के ठेकेदार समझते हैं, पहले हिंदू धर्म को समझे, हिंदू धर्म में क्या स्थान दिया गया है, और चाहे कोई भी धर्म में, हर धर्म एक ही चीज़ कहता है कि पीड़ित के साथ खड़े रहो, इंसाफ के साथ खड़े रहो, इंसाफ के लिए लड़ो। अगर आप हिंदू बनना चाहते हो तो पहले इंसाफ के लिए बात उठाओ। आपको सिर्फ गद्दी की लालच है, उस गद्दी के लालच में आप कितने बेगुनाहों को मारेंगे, कितने लोगों को बेरोजगार करेंगे, कितने लोगों का खून बहाएंगे और कितना हिंदुस्तान को पीछे ठेलेंगे। लेकिन आपका यह चेहरा आप हिंदुस्तान के आवाम के सामने आ चुका है, जहाँ आपके राज्य में जहाँ स्टूडेंट सेफ नहीं है, जहाँ महिला सेफ नहीं है, जहाँ हक बोलने वाले जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? बस आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि आपके राज में सिर्फ बेइंसाफी होगी और कमज़ोर को मारा जाएगा, और आप लोग सिर्फ पैसे वालों को दलाली करेंगे और अच्छे अच्छे बात बोल के लोगों का मन को बहलाएंगे और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई सॉल्यूशन और कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ काम किया ही नहीं, ना बच्चों के लिए, ना स्टूडेंट्स के लिए, ना किसान के लिए, ना ही महिला के लिए और ना ही हिंदुस्तान के लिए। यह बड़ी शर्मसार बात है कि हम लोगों ने, यूपी के लोगों ने बहुत बड़ी गलती की कि योगी सरकार को बीजेपी को वोट दे के वहाँ बैठाया और वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में मैं गुजारिश करूँगा अपने यूपी के भाइयों को कि आपको अगर मनीषा के हक में अगर कुछ करना है, अगर मनीषा के हक में आपका आवाज़ उठाना है, तो जब आप वोट देने जाएंगे विधानसभा के इलेक्शन में यूपी में, तो ज़रूर मनीषा के जैसे और भी जो हमारे किसान भाई जो आज सुसाइड कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे को वहाँ मर्डर हो रहा है, जहाँ
घर घर से घर घर में दहशत है, वो मंजर को भूलिएगा मत, और वो सब याद रख के वोट कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको राम के नाम पे रावण जैसा राज चाहिए या रावण को जला के राम राज लाना है, तो ये फैसला आपको करना आने वाले दिनों में। देखिए ये जो घटना हुआ, ये जो इंसिडेंट घटा, ये हम लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए और मर्दों के लिए खासकर ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसा वाकया हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये मामला दो चार मामला हो जा रहा, बढ़ जा रहा, इसमें हुकूमत का कहीं ना कहीं नरमी का बोलिए या सपोर्ट का बोलिए, इसमें कहीं ना कहीं दखल ज़रूर है जी। इस मामले में सरकार जो रोल है, सरकार का जो रोल है, उस पर आप कहाँ तक मुतमईन है, कहाँ तक सहमत? इसमें तो बिल्कुल ये तो सच्चाई है कि जो भी सरकार का जो रोल रहा है, इस ये पूरा एकदम शक के दायरे में है, क्योंकि बच्ची का दिन में होता है और उसको बॉडी नहीं दिया जाता है, रात के अंधेरे में उसके बॉडी को उसको काम कर दिया जाता है, उसको घर वालों को जाने नहीं दिया जाता है, उसके घर वालों से दूसरे को मिलने नहीं दिया जाता है, अगर कोई जाने का कोशिश भी करता है तो उसको भगाया जाता है। राहुल गांधी मैंने ट्राई किया था जाने के लिए, उसको धक्का दे के दिया गया। प्रियंका भी कोशिश की जाने के लिए, उसको धक्का दे के मार के भगाया गया। हमारे यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा से भी डेरेक ओब्रेन और भी दो MP वहाँ पे जाने की कोशिश की लोग, लेकिन वहाँ भी उनको भी धक्का देकर उनको भगाया गया, उनको ज़मीन पर गिरा दिया गया। उन लोगों का कहीं ना कहीं ये इसमें साजिश है, वो लोग चाह रहे हैं कि उनके घर वालों के जो विक्टिम थे उनको घर वालों से किसी से रब्ता ना हो और कोई भी बात ना खुले जी। मायूस लड़की और उसके घर वालों का कहना है, इल्ज़ाम है कि इसके साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मान रही है, इस मामले में आपको क्या लगता है, यूपी पुलिस और मैनेजमेंट का रोल सही है? अभी घर वाले तो ज़रूर इस पे बोलेंगे, घर वाले ज़रूर बोलेंगे कि भाई ये गैंगरेप है, तो ये पुलिस इतनी जल्दी में क्यों है कि ये बस बोल दी कि ना गैंगरेप नहीं है? मुझे इस बात पे शक हो रहा है कि हाँ ये इसकी इंक्वायरी होती है, इसको इंक्वायरी किया जाता है, इसको देखा जाता है, हर तरह से इसको बजाया जाता है कि इसमें क्या है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है, क्या गलत है। लेकिन यूपी पुलिस का अचानक बोलना कि ये गैंगरेप नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गंदगी की बू आती है।